दोस्तों भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के पैसे बढ़ाना सही कदम है। धर्मशाला के मैदान में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में 1 पारी और 64 रन से हराया है। जी हां, इसके ठीक बाद BCCI सचिव जय शाह ने टेस्ट क्रिकेट इन्वेस्टमेंट स्कीम को लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके तहत अब टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को मैच के फीस के अलावा इंसेंटिव के तौर पर भी रकम दी जाएगी। BCCI ने इसी पहल पर टेस्ट टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा से बड़ी बात में कही है। जी हाँ, टेस्ट क्रिकेट पहले से और हमेशा क्रिकेट का अल्टीमेट फॉर्मेट रहा है। अब यह देखना काफ़ी शानदार है कि BCCI और जय शाह ने इसे अधिक प्राथमिकता दी है। इससे भारत के युवा खिलाड़ी टेस्ट की तरफ जरूर आकर्षित होंगे। BCCI की टेस्ट क्रिकेट इंसेंटिव स्कीम के तहत बात करें तो अगर एक सीरीज में 9 टेस्ट मैच खेले जाते हैं तो 4 या उससे कम मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर 50% टेस्ट यानी 9 टेस्ट मैचों में से 5 या 6 मैच खेलते हैं तो उन्हें 30 लाख प्रति मैच के हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा। जी हाँ, इसके अलावा 5 से 6 मैच तक बिना प्लेइंग 11 में शामिल हुए बेंच पर रहते हैं तो 15 लाख प्रति मैच के हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा। इसके साथ ही अगर कोई खिलाड़ी 9 मैचों में से 75% मैच यानी 7 से अधिक मैच खेलता है तो उसे प्रति मैच 45 लाख रुपये इंसेंटिव तौर के मिलेगा। नॉन प्लेइंग 11 के में 7 मैच तक टीम में रहता है तो 22.5 लाख रुपये प्रति मैच इंसेंटिव के तौर पर मिलेगा। ये स्कीम साल 2022-23 सीजन में लागू हो चुकी है। आप हमें कमेंट कर बताएं कि टेस्ट क्रिकेट में लागू की गई नई स्कीम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।